हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि कल से नवरात्र स्टार्ट हो चुका है। नवरात्र में बहुत सारे घर में लहसुन प्याज बंद है, तो सबको खाने का बहुत क्राइसिस हो चुका है। बाहर भी जाना मना है, घर पर भी लहसुन प्याज बंद हो चुका है। कुछ अच्छा खाने को मिल नहीं रहा है और कुछ करने को भी नहीं है, सभी लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग एक स्पेशल डिश बनाने वाले हैं जो कि आप नवरात्र में भी खा सकते हैं, कोई लहसुन प्याज उसमें नहीं रहेगा, पूरी तरह से वो एक तरह का सात्विक डिश होगा, तो आप घर पर आराम से बनाकर खा सकते हैं। उस डिश का नाम है नवरात्र स्पेशल पनीर। नाम खुद से दिया गया, आप अपने हिसाब से कुछ और कस्टमाइज करके दूसरा नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं आज का स्पेशल डिश बिना लहसुन प्याज का, और उसका नाम है नवरात्र स्पेशल पनीर। ये देखिए, ये हमारे पास पनीर है अमूल का।
चुका है बट अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें एक तड़का लगने वाला है, थोड़ा सा गार्निशिंग होगा और एक फिनिशिंग टच दिया जाएगा इसको। तो आपको लग रहा होगा देखने में कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बट एक्चुअली में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जो मेन सोल है अभी वो उसमें से मिसिंग है, तो हम लोग इसके अंदर उसका जान फूकने वाले हैं, इसके अंदर इसका सोल डालने वाले हैं, देखिए क्या करते हैं। तो हमारा पनीर तो रेडी हो चुका है, हम लोग जो बताया था आपको इसमें सोल इसका डालने वाले हैं और सोल इसका इसका तड़का जो हम लोग डालेंगे वो एक्चुअल सोल होगा, वो एक्चुअली इसका टेस्ट को पूरी तरह से इन्हेंस कर देगा। तो ये है घी, गैस यहाँ हो चुका है गर्म, कढ़ाई सेम है, इसमें हम लोग डालेंगे गैस में थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी। तो ये हमारा आइटम है जिसको कि हम लोग डालने वाले हैं तड़का के लिए। आप चाहें तो और भी इसमें थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं और भी हल्का फुल्का अपने स्वाद अनुसार, ये बहुत बेसिक चीज हम लोग रखे हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डलेगा सबसे पहले ये लाल मिर्च, उसके बाद जीरा, थोड़ी देर इसको चलाना है और अब इसमें डलेगा थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, बहुत ही सोंधा सा खुशबू आने लगा है वो आप तो नहीं महसूस कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। हल्का से इसको चलाएंगे, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता, ये देखिए कड़कड़ाहट, और ये हो गया है तड़का हमारा तैयार। अब इसको सीधे डालेगा इसके अंदर, ये हमारा नवरात्रि स्पेशल पनीर बनकर तैयार हो चुका है। एक्चुअल वो फील तो नहीं आएगा जो एक लहसुन प्याज को डालने के बाद आता है, बट थोड़ा बहुत इसको कोशिश किया गया कि वहाँ तक पहुँचाने का। आप खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए कि कैसा लगता है आपको खाने के बाद, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक बताइएगा। तो हम लोग चलिए इसका सेवन करने, और आप स्टे होम स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्वारंटाइन लाइफ।